तारक मेहता शो से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और लोग गाइस, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोगी के स्मार्टफोन की स्टोरी का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। और जैसा कि हमने रीसेंट एपिसोड में देखा कि इस समय चालू पांडे ने हम सही पुलिस वालों को मोंटू के पीछे लगा दिया है जिन्होंने कि गोगी के साथ धोखाधड़ी करी थी। लेकिन गाइस, इन सब के बीच में मुझे एक बात जो कि अब तक के समझ में नहीं आई है कि अगर चालू पांडे को मोंटू को पकड़ना ही था तो आखिरकार चालू पांडे ने उस समय मोंटू को क्यों नहीं पकड़ा जब टप्पू सेना मोंटू की कंप्लेंट कराने के लिए पुलिस स्टेशन में आई थी। आई मीन दैट अगर चालू पांडे को सेना के कहते ही मोंटू को पकड़ लेते और अगर चालू पांडे मोंटू से पता करने की कोशिश करते तो भाई मोंटू वहां पर पता देता, क्योंकि भाई पुलिस वालों के सामने तो अच्छे अच्छे लोग सच बोल जाते हैं तो मोंटू तो मात्र एक कॉलेज का लड़का ही है। तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर भी मोंटू पुलिस वालों को सच बता देता कि उसने मोबाइल की और नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक में सेल किया है, जिसके बाद की ये सब ट्रेस करने दुकान पर पहुंचने और जेठालाल के जेल के अंदर जाने की नौबत ही नहीं आती। और भी आखिरकार एंड में हुआ भी भाई, यानी कि इन सब लोगों के आने के बाद चालू पांडे को मोंटू को पकड़ना ही पड़ा। सो ये एक बात जो कि मुझे जो कि स्टोरी में काफी ज्यादा अजीब लगी है, ऐसा ही हो ये बात आपने भी नोटिस जरूर की होगी। सो इस वीडियो के बारे में आपको जो भी कमेंट्स और रिव्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।